ओम शांति। पाक ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पार्ट वन, भूमिका, अव्यक्त बाप दादा, लेकिन कितने बार लेकिन आया। ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप सम्मान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1970। जब ये मुरली पढ़ रहे थे तो इसी मुरली में बाप दादा ने लगभग 40 बार लेकिन शब्द कहा है कि जब ये लेकिन को समाप्त करेंगे तो बाप सम्मान बन सकेंगे और समय को भी समीप ला सकेंगे। तब हम सभी को भी यह प्रेरणा आई कि अव्यक्त वाणियों में से 1046 लेकिन पॉइंट्स निकालें। इसीलिए सभी के सहयोग से ये पॉइंट्स निकाली गई। वर्गीकरण, पहला पॉइंट, लेकिन शब्द का अर्थ विघ्न या बहाना बनाना। अगला पॉइंट है, लेकिन शब्द का अर्थ किंतु या परंतु है। अगला पॉइंट है, लेकिन शब्द का प्रयोग कुछ शब्द या शब्द समूहों का स्पष्टीकरण है। टॉपिक है, तन और धन को यूज करना सहज है। देखिए, पहला पॉइंट है, संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमद के यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमद से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमद के एक भी संकल्प उत्पन्न ना करे, इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1969। अगला पॉइंट है, जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अगला पॉइंट है, मजीवा बने हुए हैं ये स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। ये शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन ये पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1971। अगला पॉइंट है, कुछ भी हो क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मई 1977। अगला पॉइंट है, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1992। अगला पॉइंट है, बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं,
पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है। जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम पद्मों का सहयोग मिलना हो जाता है। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है। भविष्यवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला टॉपिक है देह को देखना माना सांप को देखना, लेकिन पहला पॉइंट है दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण ये है, मस्तिष्क के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तिष्क के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप की मस्तिष्क में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। अगला पॉइंट है अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनको बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। अगला पॉइंट है कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, तो चित्र को नहीं देखो लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। अगला पॉइंट है ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार है उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को, तो ये कहें विचित्र और चरित्र। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। अगला पॉइंट है जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, तो वह सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा असंगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1970। अगला पॉइंट है तिलक छोटा होता है, बिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी बिंदी है। तिलक तो छोटे भी लगाते हैं लेकिन बिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेदारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं तब से चिंदी को धारण करते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 मार्च 1970। अगला पॉइंट है बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो,
अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। भविष्यवाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। अगला पॉइंट है, आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1971। अगला पॉइंट है, कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। पर आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करें। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जून 1971। अगला पॉइंट है, किसी की भी कमी को ना देखें, लेकिन कमाल को देखें, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1979। अगला पॉइंट है, ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 जनवरी 1980। अगला पॉइंट है, देखते देह को है, लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1980। अगला पॉइंट है, सात तक तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष है। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है, दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला, तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1983। अगला पॉइंट है, कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है व घृणा की भावना रहती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जनवरी 1979। अगला पॉइंट है, जैसे कोई फीमेल स्त्री से मेल बनेगा, तो फिर भी पाठ बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप का भूलता नहीं है। आप जो हो, जिसके हो और जहाँ के हो, वे अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है ना कि टेम्परेरी। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अप्रैल 1970। अगला पॉइंट है, लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनाएगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अप्रैल 1970। अगला पॉइंट है, माया आए, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना और आपका काम है माया को जीतना, उनके प्रभाव में नहीं आना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जनवरी 1984। अगला पॉइंट है, माया कितना भी सामना करे, लेकिन शस्त्रधारी है तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे।
भविष्यवाणी की डेट है 11 मई 1970। अगला पॉइंट है, तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर दक्षता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। भविष्यवाणी की डेट है 5 मई 1970। अगला पॉइंट है, कोई मरे वा कुछ भी हो लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि समझते हैं ये खेल है, ऐसे ही परिस्थितियों का एक पाठ समझो। भविष्यवाणी की डेट है 28 अप्रैल 1970। अगला पॉइंट है, पास विद ऑनर होंगे उसको तो प्राइस मिलना ही चाहिए, वह मिलेगी लेकिन सच्ची दिल से, सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मेल बताना। भविष्यवाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। अगला पॉइंट है, साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा, लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। भविष्यवाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। अगला पॉइंट है, फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। भविष्यवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है, ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है, शॉर्ट और स्वीट ये दोनों शब्द याद रखो। जैसे कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है, इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। भविष्यवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है, पहले मन को कंट्रोल करो, कैसे हो राजा है लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। भविष्यवाणी की डेट है 9 जनवरी 1996। अगला पॉइंट है, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। भविष्यवाणी की डेट है 16 फरवरी 1996। अगला पॉइंट है, कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते, दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। भविष्यवाणी की डेट है 16 फरवरी 1996। अगला पॉइंट है, देह का भान फिर भी हल्की चीज है लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है, मेरा मेरा इसको देह का अभिमान कहा जाता है, जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा। भविष्यवाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है, व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है, अपनी गलती को चेक करो। भविष्यवाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है, कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें ये कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति। भविष्यवाणी की डेट है 26 फरवरी 1995। अगला पॉइंट है,
समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो। अवित तिवारी की डेट है 26 फरवरी 1995। अगला पॉइंट है अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। चाहे जिंदा भी है लेकिन जैसे जीते जी मर जीगा। वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1995। अगला पॉइंट है आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अप्रैल 1995। अगला पॉइंट है माया का काम है आना लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अप्रैल 1995। अगला पॉइंट है डेट कॉन्शियस नहीं बनो लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1996। अगला पॉइंट है बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। अगला पॉइंट है जो भी देखे जो भी संबंध में आए वह आपको देखकर आपको भूल जाए लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। अगला है कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1996। अगला पॉइंट है चाहे कभी किसी को शिक्षा भी देती है, शिक्षा के समय किसको दिल में लगता भी है लेकिन फिर अनुभव करते हैं कि हमारे कल्याण की भावना से शिक्षा दी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। अगला पॉइंट है साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो, शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1995। अगला पॉइंट है बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 1995। अगला पॉइंट है कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए खुशी में रहना असंभव भी समझते हो लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत आपकी वृत्ति आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। अव्यक्त वाणी की डेट है
23 फरवरी 1997। अगला पॉइंट है, प्यार कोई बाहों का नहीं लेकिन प्यार की निशानी है। अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। अगला पॉइंट है, सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है लेकिन है सदा की विजय। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 मार्च 1996। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अप्रैल 1995। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न हो और संतुष्ट रहे। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षीपन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे हो ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में सदा साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो सम्मान होंगे। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है, एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 फरवरी 1997।
जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जून 1970। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हों, वे हंस शीर और नील को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1979। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना, ये तो जन जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1979। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना बाप का खाता बढ़ाती है, इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने, ये निश्चय, यह नशा बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1978। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले खोटों में कोई, तो आप स्वरूप में लाने वाले हो ना कि सुनाने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 जून 1970। जो ऊंचे बाप के सिकिलिधे बच्चे बन गए तो चलने की भी जरूरत है, उड़ना ही है, रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती, सब उड़ते पंछी हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1981। रिगार्ड दो और रिगार्ड लो, ये रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ, रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ, इसमें निष्काम बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1981। जैसे बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चरती कला का साधन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जून 1970। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि, वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे, दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जून 1970। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है, तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता है, नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो, ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ या दूसरों की करते अपनी भूल जाओ,
दोनों का बैलेंस चाहिए। अव्यक्त वाणी की जीत है 2 जून 1970। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 जून 1970। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और अलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जून 1977। माया आएगी, लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल कल के विजयी रत्न है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, ये समस्त बोल भूल जाते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जून 1970। विघ्न आता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है, आए और चला जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 जून 1970। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती, स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस कर चली जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1978। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1978। लक्ष्य सबका एक ही, विश्व कल्याण करने का है, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अर्थात विश्व कल्याणकारी रूप में स्थित रहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1979। स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीत जी मरना मनाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। जो रूही गुलाब होता है उसका काम है सदा खुशबू देना, खुशबू फैलाना। गुलाब का पुष्प जितना खुशबूदार होता है उतने कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों के प्रभाव में नहीं आता। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सब प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही ये सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 दिसंबर 1975। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथा शक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी,
संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं था। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। व्यक्ति से अपने में पहले सामर्थ्य को लाओ, फिर कार्य करो। लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 मई 1970। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1986। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दाम लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लगलीन रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1986। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 मार्च 1986। अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1986। जन्म आवाज में आने की है, इसलिए ज्यादा अभ्यास आवाज में आने का है, लेकिन स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1986। उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 फरवरी 1986। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। संजीवनी बूटी सबके पास है ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 फरवरी 1986। कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा सम्मान्य रहें और उनको स्नेही दृष्टि से स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चले। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 फरवरी 1986। मगन अवस्था गोप गोपियों की विशेष है। लगन लगाना और चीज है, लेकिन लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1985। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता
जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जनवरी 1985। बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीति को बीति करने का बिंदु लगाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 1986। सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्मभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हरे कर्मेंद्रिय सत्व प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जून 1977। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1995। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो, चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव कराए, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1985। कभी सागर के किनारे चले जाते, कभी छत पर, कब पहाड़ों पर चले जाते, मनन करने के लिए जाओ वह अलग बात है, लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना है, जहाँ भी जाओ साथ जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 1985। ज्ञान और योग शब्द तो बहुतों से सुना है, लेकिन दृष्टि से व श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति होना यह विशेषता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 सितंबर 1985। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1991। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1969। सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट
और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1974। भट्टी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन ये आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1974। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 जनवरी 1974। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है, जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। मैं मास्टर सब शक्तिवान हूँ तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो सिद्ध होते होते वे रह ही जाते हैं, स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। जो बाप के गुण हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वे सागर है, पर आप स्वरूप तो हो। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो हो ना, ये तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो। लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है, वह तो बाप के समान है ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 मार्च 1972। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। समय न होगा व धरनी ठीक नहीं होगी तो फिर भल कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फिर वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अप्रैल 1972। फिर भर उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर जीवा बने। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अप्रैल 1972। ये अलबेलापन आ जाता है, ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत साल का अभ्यास चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। चलते फिरते, हर कर्म करते,
चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। अव्यक्त वाणी की तिथि है 10 जनवरी 1988। अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। कर्म किया लेकिन कर्म योग साथ साथ नहीं रहा, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं, इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वे आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। अलबेला नहीं बनना है लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है, सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1982। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता है, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना, फर्क होता है ना, तो अभी बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल बिजी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बैलेंस रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। अगला टॉपिक है साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, भूलना चाहते हैं, लेकिन कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है, अब तो बेहद की सर्विस करनी है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 सितंबर 1969। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए, स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती है लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब
शिक्षा स्वरूप बन कर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जून 1969। वाणी का जो बल है वह तो कंद्रस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कंद्रस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कंद्रस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। ओम शांति।